ये गुजराती फाफड़ा है ना भैया, कैसे बनता है ये? बेसन का लोट से बनता है, बेसन में। ये दुकान का क्या नाम है? इस्कर काठिया है। इस्कर काठिया, इस्कर काठिया है, इस्कर काठिया। और ये खा, ये फाफड़ा के साथ क्या मिलाते हैं आप लोग? फाफड़ा के साथ बेसन नमक, बेसन नमक हाँ। और साथ में कड़ी भी लोग खाते हैं, कड़ी चटनी, पपाया मिर्चा हाँ, वो सब सांभर आता है, चटनी आता है। तो ये अहमदाबाद का इस्कन घाटिया दुकान है हाँ। आप देख सकते हैं ये छोटा भाई हमारा कितना तरीके से है हाँ। ये बेसन को बना रहा है, घाटिया बन रहा है, ये घाटिया बन रहा है, ये फाफड़ा है, ये फाफड़ा है। थोड़ा घाटिया बना के दिखाओ भाई। हाँ ये घाटिया बना रहा है, देखो घाटिया बन रहा है, ये घाटिया बन रहा है, ये घाटिया बन रहा है। इसमें बेसन है, नमक है, मसाला है हाँ। और अजमा भी है इसमें। दोस्तों आप देख सकते हैं भाई ने बना रहे हैं ये इसका लड़के में, इतना ज्यादा यहाँ भीड़ होता है सुबह जो है। हाँ ये फाफड़ा बनता है ऐसे, ये ऐसे फाफड़ा बनता है। ये देखिए ये भी एक आर्ट होता है, इस तरह से फाफड़ा बन रहा है जो ये। तो हमने भी अभी खा के देखा, फाफड़ा कड़ी और अलग और पपीता, हरा पपीता का जो है कद्दूकस करके साथ में देते हैं, और चटनी, चटनी और साथ में मीठा मीठा जलेबी, जलेबी। ओए होए क्या मजा आ जाता है। गुजरात आओ और अहमदाबाद आओ और यहाँ पर अगर फाफड़ा जलेबी ना खाओ जीवन ही व्यर्थ है। यो यो क्या नाम है भाई, बताओ अपना? मेरा नाम मानी भाई। मानी भाई ठीक है। तो हम लोग उदय इंडिया चैनल से है हाँ जी, और दिल्ली से जी जी। हम गुजरात आए थे तो हमने सोचा कि हाँ। क्या फेमस फाफड़ा होता है, गाठिया फाफड़ा फेमस, गाठिया फाफड़ा फेमस है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना टेस्टी जो है फाफड़ा बन रहा है। और ये गरम गरम निकलता है और ये खत्म हो जाता है, इसका इतनी डिमांड है हाँ। नहीं और ये जलेबी के लिए है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरह से मिर्च का जो है आचार में देते हैं। ये मैथी का पकौड़ा है, खामण है, नमकीन भी है और मीठा भी है। और ये जलेबी आप देख सकते हैं, ये गाठिया, ये यहाँ का बड़ा फेमस है गाठिया। गाठिया और जलेबी खाने के बाद सभी लोग जो है चाय का मजा लेते हैं। आप देखिए भाई, रजवाड़ी है, रजवाड़ी चाय बड़ा फेमस है, रजवाड़ी चाय इसको कहते हैं। देखिए कितना मजा से चाय बना रहा है भाई हमारा। अरे बाप रे बाप, तो कितना देर तक चाय को उबालते हो भाई? आधा घंटा, आधा घंटा। अरे चाय में क्या क्या डाला है? रजवाड़ी चाय स्पेशल चाय है, रजवाड़ी चाय इसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती हाँ, मसाला। क्या मसाला डालते हो? वो मसाला अपना ऊपर से आता है बन के, मिक्स मसाला होता है, अदरक, इलायची और ये मस्काबन भी बनता है जाम पटन में। मस्काबन, मस्काबन, मस्काबन। अच्छा ये मस्काबन है, बटर वाला ब्रेड। ये क्या चाय के साथ लोग लेते हैं? चाय के साथ भी लेते हैं, ऐसे भी मजा आता है इसमें। चाय के साथ भी खाते हैं, ऐसे भी इसमें वो मलाई लगा के देते हैं, बटर और जाम मीठा वाला। और भाई का चाय बनाने का जो तरीका है बड़ा अनूठा है, और
ग्राम है और इसका ऊपर तक वो फेंक रहा है, आप देख सकते हैं। ये कंटिन्यूस सुबह से रात तक चलता है, लोग आते हैं, सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक चलता है। कितना बजे? सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक चाय चलता है। राजवाड़ा चाय जो है, रजवाड़ी चाय, रजवाड़ी रजवाड़ी चाय अहमदाबाद बड़ा फेमस है। पकौड़ा गाठिया जलेबी खा लेते हैं लोग, तो उसको हजम करने के लिए ऐसे रजवाड़ी चाय की जरूरत होती है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप अगर गुजरात आते हैं, अहमदाबाद आते हैं, तो रजवाड़ी चाय का मजा जरूर लीजिए। अहमदाबाद से दीपक कुमार।